नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 2 सितंबर, कल के सेशन की बात करें तो कल हमने देखा इंपॉर्टेंट डेटा होने के बावजूद भी मार्केट में कोई बड़ी तेजी या मंदी नहीं आई। पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा एमसीएक्स बुलडेक्स साइडवे टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ना प्राइजेस 14,000 के नीचे जा पा रही है, ना ही प्राइजेस 14,340 का जो की रेजिस्टेंट लेवल है इसको तोड़ पा रहा है। एज ऑफ नाउ हमने देखा डॉलर इंडेक्स में भी एक साइडवे प्राइस मोमेंटम बना हुआ 9250 से 93 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये हफ्ते में नॉन फार्म का जो डेटा है शुक्रवार को वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के रणनीति बनाने के लिए। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक मार्केट में जो फॉल आया है वो रुपए की वजह से आया हुआ है। जिस ढंग से पिछले 2-3 सेशन में हमने रुपए में एकाएक काफ़ी बड़ी मजबूती लौटते हुए देखी, ये कहीं ना कहीं सोने चांदी और एमसीएक्स बुलडेक्स पे दबाव ला रहा है, जबकि इंटरनेशनल में गोल्ड इस वक्त भी 1810 के ऊपर अच्छे से होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ आज की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में 14,000 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग है, लेके चलिए 14,280 से 300 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं कल के सेशन में गोल्ड और सिल्वर एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। रुपए की मजबूती की वजह से सोने और चांदी में पिछले 2-3 दिनों में एक साइडवे मोमेंटम है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में तो तेज है बट डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की मजबूती की वजह से तेजी नहीं कर पा रहा है। आज के लिए भी अगर प्राइजेस की बात करें तो एक रेंज में रहने की उम्मीद है जो 46,900 से लेकर 47,300 के बीच में रहेगा। आज के लिए 47,000 के करीब मिले तो लेके चलिए 200 से 250 के टारगेट के लिए निकल जाना चाहिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो धीरे धीरे चांदी में मजबूती लौटते हुए दिखाई जरूर दे रही है, बट 64,200 के ऊपर होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकली 64,200 के ऊपर अगर प्राइस होल्ड करती है तो 65,500 तक का भी लेवल जल्द दिखा सकती है। तो आज के लिए सोने और चांदी में बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी रखिए, बट बड़ी पोजिशन मत बनाइए, क्योंकि शुक्रवार को जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। वहीं क्रूड की बात करें तो कल ओपेक के स्टेटमेंट के बाद हमने प्राइजेस के अंदर काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा, क्योंकि मार्केट को बैलेंस करने की बातें हो रही है पर डिमांड कंसर्न अभी भी बना हुआ है, बिकॉज कोरोना की जो कंसर्न है वो अभी भी बनी हुई है। तो कल फ्रेश सेलिंग के चलते हमने प्राइजेस में काफी बड़ी गिरावट देखी थी, बट इन्वेंट्री डेटा के बाद प्राइजेस में लोअर लेवल से रिकवरी भी बनते हुए दिखाई दी। एज ऑफ नाउ प्राइजेस 5,040 का जो इंपॉर्टेंट हर्डल है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अनलेस एंड अंटिल 5,040 का लेवल ब्रीच नहीं करता है प्राइजेस में गिरावट रह सकती है, जो 49,20, 49,40 तक का लेवल दिखा सकती है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो प्राइजेस में कल हमने 7% का बड़ा उछाल आते हुए देखा। जिस ढंग से हमने देखा एक हरिकेन जो अपडेट आया है इसके बाद प्राइजेस के अंदर एक बड़ा उछाल आया, क्योंकि काफी रिफाइनरीज है जो कहीं ना कहीं ऑफलाइन मोड में चले गई है, जिसके चलते प्राइजेस को गेन मिला। आज इन्वेंट्री डेटा आना है और डिमांड भी आगे जाके थोड़ी सी कमी बताई जा रही है, तो टेक्निकली मार्केट करेक्शन लेने की कोशिश करेगा, बट जो इम्पैक्ट हरिकेन का है वो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। तो आप संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि 330 के ऊपर काउंटर अभी भी स्ट्रांग रहेगा, जो ऊपर में 344-345 तक का लेवल दिखा सकता है। पूरे बेस मेटल में कल हमने हायर लेवल से काफी बड़ी बिक वाली बनते हुए देखी है। जिस ढंग से चाइना से जो डेटा पॉइंट आए हैं फैक्ट्री डेटा के वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग आए, जिसकी वजह से प्राइजेस में फॉल आता हुआ दिखाई दिया है। आज का सेशन थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि एलएमई पे थिंग्स आर बीइंग स्लाइटली पॉजिटिव, तो कल की गिरावट के बाद कहीं ना कहीं प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आज के सेशन में कॉपर जिंक निकल लेड एल्यूमिनियम सभी में हम 0.5% की तेजी देख रहे हैं, जिसका मतलब है आज प्राइजेस में जंप रहेगा। बट ध्यान रखिए इसके अंदर लेड का, पिछले 2-3 सेशन में लेड 180 के ऊपर काफी स्ट्रांगली मूव कर रहा है, कंटिन्यू रहता है तो 184-185 तक का भी लेवल दिखा सकता है। निकल में भी ध्यान रखिए, क्योंकि 1445 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है 1470 के लिए। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अभी भी 1816 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो 1836 तक का जा सकता है लेवल। वहीं चांदी भी $24 के ऊपर 2480 के लिए बाइंग की जा सकती है। WTI ब्रांड ओपेक की मीट के बाद गिरावट है आज भी कंटिन्यू रहेगी, जो 70-20 तक का लेवल हम ब्रांड में देख पाएंगे और 67-20 तक का लेवल हम देख पाएंगे WTI में। नेचुरल गैस के अंदर आज दिन के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इन्वेंट्री डेटा रहना है, बट हरिकेन की वजह से काफी रिफाइनरीज ऑफलाइन मोड में, जिसका एक सपोर्ट कहीं ना कहीं प्राइजेस को पड़ता हुआ दिखाई देगा। विक्स इंडेक्स में बढ़ोतरी है, डॉलर 9250 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा है कि काफी इंपॉर्टेंट डेटा जो ये हफ्ते में है वो कल के सेशन में रहेगा, बट आज US साइड से जॉब कट का डेटा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है जो डॉलर को मजबूत करते हुए दिखाई देगी, फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा थोड़ा खराब आता हुआ दिखाई देगा, तो काफी मिक्स डेटा रहेगा। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो इन्वेंट्री 25 BCF आती हुई दिखाई दे रही, जो प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा, बट अगले हफ्ते वेदर कंडीशन कैसा रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए एमसीएक्स बुलडेक्स में बाय जरूर कीजिए, बट 14,240-50 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं देता मार्केट दायरे में रहेगा। खाली 14,280 के ऊपर निकलता है तो बड़ी तेजी करेगा। गोल्ड के अंदर भी 200 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे